करोगी? आई लव यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से। इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मेरे बच्चे का तो भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या तुम सही में मुझे 5 लाख दोगे? घर चलो कोई शादी। आ जाओ। तुम तो बड़ी जल्दी मान गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? निहारिका। निहारिका, जितना अच्छा नाम उतनी सुंदर चेहरा। वैसे तुम पैसे दे तो दोगे ना? मुकरोगे तो नहीं अपनी बात से? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये है, ये इतने पैसे अभी रख लो, बाकी मैं घर पे देता हूँ, ठीक है? और वो मेरी गाड़ी खड़ी है, उसी से चलते हैं, तो बाकी बातें घर पे करते हैं। ठीक है चलो। चलो आइए, ये है मेरा घर। कैसा है? आपका घर तो बहुत अच्छा है। आइए अंदर चलते हैं, बहुत मजा आएगा यहाँ पे। मुक्ता आ गए साहब। आई साहब, मैं पूछ रही थी खाने में क्या बनाऊं। क्या हुआ, चौंक गई क्या? है ना सुंदर, जब इसको मैंने पहली बार देखा था तो मैं भी चौंक गया था, और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। एक बात बताऊं, मैं आज इसी से शादी करूंगा। तुम एक काम करो, फटाफट बाजार जाओ और मेरे लिए फूल माला की व्यवस्था करो। मैं इससे यहीं पर और आज ही शादी करूंगा। जाओ जल्दी से सामान की व्यवस्था करो। क्या मालिक, आप इससे शादी करोगे? हाँ बोला तो, आज ही शादी करूंगा। तुम फटाफट जाओ और सामान लेके आओ। पर मालिक, आप इससे शादी कैसे कर सकते हो? ये तो पहले से ही शादीशुदा है। क्या शादीशुदा है? हाँ साहब, ये मेरी बहू है। ये क्या कह रही है, ये सच बोल रही है? ओ शिट, मुक्ता मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहू है। और ना मैं शादी के लिए क्यों कहता मैं इससे, और इसको मैंने शादी के लिए 5 लाख रुपए देने के लिए भी मैंने बोला है, तभी तो ये मानी है। क्या निहारिका, तुम मालिक से शादी करने वाली हो, वो भी चंद पैसों के लिए? अरे तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बच्चे का और मेरे बेटे का क्या हाल होगा? मेरा पोता कैसे रहेगा? और मेरे बेटे के बारे में तो सोचो, वो तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम चंद पैसों के लिए मालिक से शादी कर रही हो, मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे अब और क्या सुनूं निहारिका, अब कुछ बचा भी है सुनने के लिए? इतना सब कुछ सुन रही हूँ, अब और क्या बचा है सुनने के लिए? कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखती। अरे मेरा छोड़ो, मेरे बेटे का तो ख्याल रखती, जो तुमसे कितना प्यार करता है। हम दोनों की तो छोड़ो निहारिका, कम से कम उस छोटे बच्चे की तो सोचो, जो अभी बोलना भी नहीं सीखा और वो पूरे दिन घर पे रह के तुम्हारा इंतजार करता है। उसके भविष्य के बारे में तो सोचो कि उसका भविष्य कैसा होगा आगे। हमने अपने बच्चे के बारे में सोच के तो आपको शादी के लिए हाँ करी थी, बस हमने यही सोचा कि जो पैसे साफ देंगे उससे मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाऊंगी, बस इसीलिए मैंने इनको शादी के लिए हाँ कर दिया था। हमें लगा शादी के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। मैंने बस यही सोचा और कुछ नहीं। आपको तो पता ही है ना कि हम इतना नहीं कमा पाते हैं, और बच्चे का भविष्य बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। मुझे मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा चाहिए था, और मुझे
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा, बस इसीलिए मैंने इन्हें शादी के लिए हाँ करी। मेरा और कोई इरादा नहीं था इनसे शादी करने का। अरे बस करो निहारिका, तुम उस बच्चे के बारे में सोच रही हो, उस बच्चे की परवरिश तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। मेरा बेटा भी खूब कमाएगा, उसको अच्छी परवरिश देगा, अच्छे स्कूल में भेजेगा। मैं भी उसका ख्याल रखूंगी। सच निहारिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम चंद पैसों के लिए मालिक से शादी करने के लिए राजी हो जाओगी। सासू माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने जो भी कदम उठाया वो बहुत गलत था। और मम्मी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे बच्चे का भविष्य ना हम तीनों मिलकर अच्छे से बना लेंगे। और साहब, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये लीजिए आपके पैसे। मुक्ता, तुम एक काम करो, तुम अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ और अपने घर पे अच्छे से रहो। मैं ही आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत खुशी से रहो, ठीक है?